माननीय प्रधानमंत्री जी लंच के बाद हाउस में नहीं पहुंचे हैं। यू कैनॉट इंसिस्ट दैट द पीएम शुड बी ऑलवेज हियर। क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे? प्रधानमंत्री जी लंच में आएंगे और चर्चा में भाग लेंगे। दैट द हाउस विल नॉट रन अनलेस द प्राइम मिनिस्टर सिट्स थ्रू एंड प्राइम मिनिस्टर सेड थ्रू द टू हेड्स डिबेट और यू डोंट वांट टू स्टार्ट द डिबेट। क्वेश्चन आवर के लिए आए हैं तो तब सदन नहीं चलेगा। और यदि अगर यदि नो दिस इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड सर, आप रिकॉर्ड देखिए, हमने रिकॉर्ड देखे और हमने ये भी कहा था कि अगर अगर सदन अगर क्वेश्चन आवर के लिए नहीं आए हैं, डिबेट के लिए आए हैं तो हाउस चलेगा। ऑनरेबल उसी प्रॉमिस पर हाउस चला। जनता तो स्वागत कर रही है जो काले धन और क्राइम मनी के खिलाफ सरकार ने कदम उठाए हैं। आक्रोश में सिर्फ विपक्ष लगता है और इसलिए कुछ दिनों के लिए वो चर्चा नहीं चाहते थे। सरकार का बिल्कुल स्पष्ट रवैया है, चर्चा हो और जो जो कदम सरकार ने उठाए हैं और आज क्या वास्तविक स्थिति है और देश हित में सरकार ने जो कदम उठाए हैं सार्वजनिक जीवन को, व्यावसायिक जीवन को साफ सुथरा बनाने के लिए, सरकार स्पष्टता से उसको डिफेंड करेगी। हमारी पार्टी कोई उसके खिलाफ नहीं है, उसका समर्थन करती है, लेकिन आपका जो तरीका है, जो आपने तरीका अख्तियार किया है, मैं समझती हूँ वो ठीक नहीं है। उससे पूरे देश के गरीब मेहनत कश लोग और मध्यम जो वर्गीय लोग हैं वो सफर कर रहे हैं और सबसे ज्यादा गांव के लोग सफर कर रहे हैं और देहातों के अंदर पॉपुलेशन 90% के करीब है। प्लीज माननीय सभापति जी, मैं ये बताना चाहती हूँ, कल सर्वे आ रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ बिंदु रखे हैं। नहीं, आप अपने समय से भाषण दीजिए। इनके फैसले का समर्थन किया है, ये बिल्कुल गलत है। मायावती जी मेरे साथ चलें, क्योंकि एक तो वो बैठी रहती हैं अंदर और वहीं से वो मिस्टर इंडिया की तरह राज चलाती हैं। मिस्टर इंडिया दिखता नहीं था और राज चलाता था। मैं सड़क पे चल रही हूँ पूरे समय, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पूरी जनता प्रसन्न है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ जिनका काला धन है नोट के रूप में और ज्यादा है, उनको नुकसान हो गया है, सिर्फ वही लोग चोर मचाए शोर है। चोर कौन है और शोर किसका है? जगदीश जी और इंद्र ओझा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीश जी जयपुर से है, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बताएं सर। बताएं, आपूर्ति व मांग में अंतर तो है जी, परंतु प्रधानमंत्री जी का जो फैसला वो सही है। विपक्ष को प्रधानमंत्री जी द्वारा मांगे गए 50 दिन तक सहयोग करना चाहिए, कम से कम जनहित में। आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी से अगर 200 सांसद इस बात की मांग करें कि आप चर्चा कीजिए, आप आइए बहस में, तो 50 दिन अभी प्रधानमंत्री को मोहलत मिलनी चाहिए? 50 दिन कम से कम ये मांगे हैं तो देने चाहिए। चलिए जगदीश जी, धन्यवाद आपकी राय के लिए। बीकानेर से ओझा साहब नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी। सर बताएं। भाई साहब सभी मेहमानों को भी नमस्कार करता हूं। जी भाई साहब, देखिए मोदी जी का आप कह रहे हो तो मैं तो कह रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी हर धर्म निभा रहे हैं जी। अब रही बात विपक्ष की तो ठीक है, विपक्ष को भी सोचना चाहिए। मेरे को एक समझ में नहीं आती, अर्चना जी बैठी है, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी जितने भी विपक्ष के लोग सुन रहे मेरी आवाज को, वो ये बताएं कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो कदम उठाया है, किसी आज तक किसी देश के अपने देश के प्रधानमंत्री किसी की मुद्दे वगैरह किसके लिए उठाया, ये बताइए। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए उठाया क्या इन्होंने कदम? इस देश के अंदर क्या हालत हो गई? लेकिन ओझा साहब, अगर नुकसान सामने आने लगे, मनमोहन सिंह जी कहते हैं 2% GDP में अगर गिरावट आई है तो फिर क्या सवाल नहीं होना चाहिए? बहुत बड़ा देश के अंदर बदलाव हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया ओझा साहब। कमल साहब आपके पास आना चाहता हूँ कि कदम क्रांतिकारी आपने बता दिया, लेकिन इस कदम के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको लेकर बड़ा सवाल अब उठने लगा है। क्या इतना बड़ा सवाल ये नहीं है, विपक्ष झूठा हल्ला कर रहा है? देखिए मैं जनतंत्र का अपमान मानता हूँ ये। 200 सांसद बहुत, शायद पहली बार पूरे इतिहास में ऐसा हुआ है कि इतने लोग एक साथ आ रहे हो, प्रधानमंत्री जी चुपचाप बैठे गोवा में और इधर उधर भाषण देते हैं, जापान में कुछ बात कह दी थी, देश में आके उनको फेस करना चाहिए। और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और काला धन जो है सफेद होता जा रहा है। 3 करोड़ रुपया 50 दिन की मोहलत लोग कहते हैं, बीजेपी ने 3 करोड़ रुपया एक दिन पहले जो जमा करवाया है, क्या चीज है? सुबह ही कराया था। और स्कैम है, भयंकर स्कैम हो सकता है।
मैं मोदी जी के इंटेंशन को डाउट नहीं करता, मैं उनको बधाई फिर देना चाहता हूँ, क्रांतिकारी कदम है। तो दूषित परंपरा हमारी हो गई थी, राजनीति कहां से कहां तक चली गई थी, शर्म आती थी कि हिंदुस्तान है क्या। लेकिन मनीष पारिक साहब जवाब दीजिए, दो चीजें, एक तरफ तो आप ऐप के जरिए सर्वे करते हैं और वहां भी 90% लोग, मतलब जो प्रधानमंत्री समर्थक है, 100% उन्होंने ही उस ऐप को डाउनलोड किया होगा, उनमें भी 90% समर्थन में, आप क्या कहना चाहते हैं? आता हूँ, आऊंगा आऊंगा जी। अश्विनी जी, मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, अभी नियम ये बनाया है कि 20,000 रुपए का राजनीतिक दलों को चंदा दिया जा सकता है बिना आईडी दिखाए, तो कितना स्कैम होगा, कितना अरबों रुपया। मैं आऊंगा इस फाइल पर, लेकिन आज उसका वक्त नहीं है। नरेंद्र मोदी जी राजदर्द की पालना करें। मनीष पारिक साहब जवाब चाहिए, आपका सर्वे झूठा है, आप झूठे अपने पक्ष में आंकड़े जुटा रहे हैं, जो कहा मायावती ने। जब वो ऐप है स्पेसिफिक, उसकी रिपोर्ट तो ठीक है, अब बात ये है मायावती जी अपना ऐप बनाए और जाएंगे आप सर्वे करने के लिए, उसमें जितना आएगा सर्वे में देख लेंगे आपके पास। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अपना ऐप बनाए। मनीष पारिक साहब, केएल कमल साहब ने कहा लोकतंत्र का अपमान है, 200 सांसद मौजूद थे लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नजरअंदाज कर दिया। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल अगर ये जवाब हो जाएगा तो सबकी बातें बेकार हो जाएगी। अर्चना जी जवाब चाहिए। देखिए, ऐप का इंट्रोडक्शन होना मिड ऑफ 50 डेज के टेन्योर में इस बात का द्योतक है कि उनको खुद को ही समझ में आ गया कि मुझे किसी न किसी और रास्ते को पकड़ना पड़ेगा जनता को विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि वो जान रहे हैं कि उनकी पॉलिसी फेल हो रही है। अब ऐप आप लेकर के आते हो, आप दावा करते हो 5 लाख लोगों ने, उसमें 90% लोग जो थे उन्होंने उनके पक्ष में बात कही है, आपने नो का ऑप्शन तो दिया ही नहीं था उसमें, उसमें कहीं नहीं का ऑप्शन नहीं है। मेरी बात सुनो, की बात तो मैं कहना चाहता हूँ, उससे बढ़िया तो ये है कि राहुल गांधी ऐप लेकर आए और उस पे अपनी वोटिंग करा ले। आप किसी के आदमी की घर की छत कैसी होगी, उसके बारे में कैसे बात कर रहे हैं? आप अपनी छत ऊंची बनाइए, बड़ी बात है। अर्चना जी, आप इस हक में एक मीडिया एप्लीकेशन के जरिए आप पूरी संसद को चलाएंगे? नहीं, ये संसद चलाने की बात नहीं, उसके लिए तो मैंने पहले निवेदन किया। क्या है? मैंने निवेदन किया चर्चा के अंत में प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, चर्चा का अंत तो होने दो, आप तो बीच में ही मांगने लगे। एक बात, और दूसरी बात, ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा क्या जवाब से क्या हो जाएगा। एक बात आप ये सुनिए जी, इनका जो इतिहास रहा है, कमल साहब इन्होंने पहले स्कैम के मामले में सुषमा स्वराज जी का इस्तीफे के बिना गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा, मनीष जी गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा 2G स्कैम के वक्त में आपने भी यही मांग की और मनमोहन सिंह जी लगातार 2 दिन चर्चा के दौरान सदन में मौजूद थे। जवाब अंत में दिया, चर्चा के अंत में बोलते हैं प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, अभी टीवी में दिखा रहे हैं, वहाँ बैठे राज्यसभा में सुन रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के हर प्रतिनिधि से एक निवेदन करना चाहती हूँ, आप 2G स्कैम, फलाना स्कैम, जैसे इंदर ओझा जी भी बोल रहे थे आपकी विचारधारा से प्रभावित है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका एक निर्णय जिसने पूरे भारत की जनता को प्रभावित किया हो, यानी सर्वस्पर्शी निर्णय था हो और पब्लिक पूरी तरह मोबिलाइज हो गई हो, खुश हो गए उस निर्णय के लिए भारत के प्रधानमंत्री जिसने टीवी का माध्यम चुना और प्रोक्लेम किया। दो दर्शक है, नवरत्न जी है बीकानेर से और खालिद कुरैशी साहब है हमारे साथ। नवरत्न जी, क्या प्रधानमंत्री का ये कदम बेहतरीन है? क्या उनको संसद में जवाब नहीं देना चाहिए और संसद से भागना क्या राजधर्म की पालना है? नवरत्न जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं। सर, ये खाली विपक्ष से खाली हंगामा कर रहा है, उनके पास कोई दूसरा काम तो है नहीं। ये मोदी जी का अच्छा कदम है, आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खालिद साहब नमस्कार। सर नमस्कार, आप क्या कहेंगे? सिर्फ 5 लाख का मसला नहीं है, 125 करोड़ लोगों का सवाल है। दूसरे बड़ा मसला था ये, तो सभी दो लोग विश्वास में लेके प्रधानमंत्री साहब को फैसला लेना चाहिए था, अभी वो भरोसा नहीं लिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रामकृष्ण जी, सर्वे को लेकर आप कुछ कहना चाह रहे थे, डाउट किस बात को लेकर? देखिए, सर्वे में 60 लाख बस 90 लाख मान लेते पक्ष में आए 90, लेकिन भारत की जनता तो 125 करोड़ है, तो सर्वे का क्या महत्व हुआ? 90
लाख ने दिया है, 5 लाख ही कर रहे हैं, 90% 5 लाख सपोर्टर है, लोग हैं, कौन किसके पास फुर्सत है डाउनलोड करने की? आप ये देखिए बैंकों की लाइन में जाइए, आप बैंकों की लाइन में जाके फिर सर्वे कीजिए, आप बैंकों की लाइन में जाके सर्वे कीजिए, आप व्यापारियों के पास जाके सर्वे कीजिए, मनीष जी बाजार में जाके सर्वे कीजिए। अगर आप ऐप का दावा करते हो ना, तो आपको रेफरेंडम के लिए जाना चाहिए या फिर आपको मध्यावधि चुनाव करवा के अपनी इस इच्छा शक्ति को प्रकट करने के लिए 56 इंच के सीने की बात करते हो ना, उसका सामना करना चाहिए। ऐसे दावे मत करो आप, सकते क्या हालात है, क्या हालात है, मध्यावधि चुनाव करवा दो, क्योंकि ये चाहते हैं आप बात कर रहे हो इसी तरह से बहस पे सर्वे नहीं करते। आप क्या कहा प्रधानमंत्री, जवाब लेके आप ऐप बनाओ ना राहुल गांधी का, वोट डलवाओ, कांग्रेसियों को कहो कि वोट डाले आप पे और राहुल गांधी को ना करवाओ, कौन मना कर रहा है? आपको खुद की जिंदगी का भान नहीं है, जनता पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा उसका अंदाजा नहीं है। भारत जी क्या चाहिए आपको, राजधर्म की पालना कैसे होती है अगर मोदी जी करते तो? देखिए ऐसा है, मोदी जी ने जो सर्वे करवाया है वो कैसे फेक सर्वे है, आप अपने सपोर्टर से सर्वे करवा रहे हैं, आप अपने सपोर्टर से सर्वे करवा रहे हैं, आप केजरीवाल जी का ऐप बनाओ और सर्वे कराओ ना, कौन मना कर रहा है? आप बैंकों के लाइन में जाके सर्वे कीजिए, आप बाजार में जाके सर्वे कीजिए, आप केवल पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होगा, नहीं है आप उसमें अपने। और चलिए एक और कॉलर है, कृष्णा कुरानी जी नमस्कार, आप क्या कहना चाहते हैं, मोदी जी का फैसला ठीक है क्या, राजधर्म की पालना हो रही है? जो नीतियाँ है वो विरोध वाली रही है, क्योंकि ये गरीब के लिए कहते हैं कि साहब हम गरीबों के लिए हित में है, गरीब की सरकार है, गरीबों के हम आंसू पहुंचेंगे। अरे पारिक साहब, आज इन्होंने खुद ने घोषणा की है कि हमारे अकाउंटों में 5,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। पारिक साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई मनीष जी से इतना कह देता हूँ कि आप अपनी सरकार से ये कह दें, राजस्थान के जितने भी किसान है उनका कर्जा ही माफ कर दो, कांग्रेस पार्टी के पूरी जनसभा आपके साथ लग जाए। वो जनता का पैसा है, जनता के अकाउंट में। विकास जी है नागौर से, नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी। जी सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जी, कि हमारे परिवार में जैसे झगड़ा होता है तो मुखिया अपना जवाब पहले देता है या बाद में देता है? जी, लेकिन क्या मुखिया की मौजूदगी जरूरी है? विकास जी, मुखिया की मौजूदगी है, संसद में वो आ रहे हैं, अब सबकी बातें भी सुन रहे हैं, वो भी जवाब देंगे, पहले सबकी सुनेंगे उसके बाद अपना जवाब देंगे, इंतजार करना चाहिए ना, इंतजार अभी संसद खत्म थोड़ी हो गई, तो फिर उसका इलाज क्या है? मुखिया की भूमिका जो होगी, अगर झगड़ रहे हो आपस में तब तो मान लेंगे मुखिया की स्वीकार्यता, अब मुखिया ही जड़ हो झगड़े की तो मुखिया को ही निपटाना पड़ेगा ना। आप बिल्कुल, मैं इस मसले को लेकर आऊंगा मनमोहन सिंह जी के उस भाषण पर जिस पर आज पूरे दिन चर्चा हुई कि देश मंदी की चपेट में आने वाला है। छोटा सा ब्रेक, क्यों 2% अर्थव्यवस्था में GDP में गिरावट देखने को मिल सकती है? देश की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है, खुद प्रधानमंत्री जी को संसद में आके अपना जवाब देना चाहिए कि क्या वो इस पर आगे कार्रवाई करेंगे, क्यों उन्होंने नोटबंदी की, क्यों उन्होंने विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, केवल आए और एक ऑर्डर से नोट बंद। ये गांव से काला धन ढूंढने निकले, इनको पता नहीं गांव के अंदर किसानों की मेहनत का काला पसीना और काली मिट्टी होती है, ना कि काला धन होता है। लोगों को इतने परेशान कर दिए है कि आज जो संख्या में लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उसे दिखाया नहीं जा रहा है। और ये आक्रोश रोली को भी निकाले, बंद करे, भारत बंद से कुछ होने वाला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी लंच के बाद हाउस में नहीं पहुंचे हैं। यू कैन नॉट इंसिस्ट दैट द PM शुड बी ऑलवेज हियर। क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे? प्रधानमंत्री जी स्टेज में आएंगे और चर्चा में भाग लेंगे। दैट द हाउस विल नॉट रन अनलेस द प्राइम मिनिस्टर सिट्स थ्रू एंड प्राइम मिनिस्टर सेड थ्रू द टू हेड्स डिबेट और यू डोंट वांट टू स्टार्ट द डिबेट।